सर क्या लगता है जवान जिस तरह के बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रही है वो रिकॉर्ड मतलब सलार तोड़ पाएगी कि नहीं? बिल्कुल तोड़ पाएगी, बिल्कुल भाई, क्योंकि ये होना तय है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2023 में जिस हिसाब से बड़ी फिल्में आ रही हैं सभी एक दूसरे के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही हैं। हाँ, वो अलग बात है कि पठान का रिकॉर्ड गदर 2 ने नहीं तोड़ पाया, लेकिन गदर 2 500 करोड़ कमा ली, यही बहुत बड़ी बात थी। वरना तो गदर 2 तो भैया 200 करोड़ कमा लेती, वही बहुत बड़ी बात होती, लेकिन उसने भी 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। और रही बात जो पठान की, तो देखिए पठान का रिकॉर्ड तोड़ा किसने? जवान ने। अभी हालांकि अभी नेट कलेक्शन नहीं किया, लेकिन अभी इसको दिन ही कितने हुए हैं। पठान ने तो 1200 करोड़ कमाए थे, जवान कम से कम 1500 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। और जो आपने सलार की बात की, तो सलार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सलार जवान का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि भैया उसमें रॉकिंग स्टार यश होने वाले हैं, मतलब कि हमारे रॉकी भाई। और ये KGF 3 ही मानो, KGF 3 नहीं है, पर ये KGF 3, मतलब इसमें KGF के रॉकी भाई आएंगे। तो इसलिए लेकिन प्रभास की तो लगातार कई फिल्में फ्लॉप हुई हैं अभी। वो टोटल बॉलीवुड फिल्में थी, साहो और आदि पुरुष, और इसके अलावा राधे श्याम, टोटल बॉलीवुड फिल्में थी। ये प्रशांत नील का यूनिवर्स है और उसमें यूनिवर्स भी बना रहे हैं, जिसमें KGF, सलार और भी एक स्टार की नई मूवी लाने वाले हैं, वो सभी उनका एक अलग यूनिवर्स बनेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसमें रॉकी भाई का कैमियो हुआ, जैसा कि रूमर्स आ रहे हैं कि रॉकी भाई भी होने वाले हैं सलार में, तो अगर उनका कैमियो हुआ तो गारंटेड 101% जवान का रिकॉर्ड टूटेगा। लेकिन बाय चांस, जैसे कि अभी रूमर्स है कि जवान में थलापति विजय होने वाले हैं, थलापति कहीं भी देखने को नहीं मिले, तो अगर सलार में सेम ऐसा हुआ कि अगर उसमें रॉकी भाई नहीं देखने को मिले, तो ये मान लो कि फिर वो जवान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी। 200 करोड़ कमा ले, 300 करोड़ कमा ले, इतनी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अगर रॉकी स्टार का कैमियो हुआ सलार में, तो जवान का रिकॉर्ड टूटेगा। ओके।